नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बताऊंगी आपको बेसन का चिल्ला बनाना। बेसन मैंने 1 कप लिया है, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ, टमाटर 2 काटी हूँ, प्याज 2 काटी हूँ, मिर्चा 3 काटी हूँ, धनिया काटी हूँ। अब मैं बेसन में डालूंगी अजवाइन, 1/2 चम्मच अजवाइन मैंने लिया है। अब इसमें मैं धनिया कटी हुई डालूंगी, कटी हुई मिर्ची डालूंगी। अब इसमें हल्का सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, प्याज डालूंगी। इसमें अब मैं नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, कटा हुआ टमाटर डालूंगी, टमाटर मैंने बारीक बारीक काटा है। अब इसमें मैं पानी डालूंगी, अब इसमें पानी डालूंगी, डाल के इसको मिक्स करूंगी। एक में इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, ज़्यादा पतला हो जाएगा तो ये बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा इसको मोटा ही रखना है। मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, ये थोड़ा सा भी मोटा है, इसमें थोड़ा पानी और डालूंगी मैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, मैंने इसमें सारे चीज़ मिक्स कर दिया है। ये बहुत ही बढ़िया बनता है, कभी भी 2 मिनट में झटापट बनाओ और अच्छे से खाओ, बहुत प्यारा बनता है। मैंने अब इसको अच्छे से फेंट लिया, अब बना के दिखाती हूँ। दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने अपना तवा रख दिया है, तवा मेरा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें बनाऊंगी चिल्ले, मसाला वसाला सब रेडी है। इसको थोड़ा सा छोटा ही बनाते हैं, ज़्यादा मोटा इसको अच्छा लगता है, ज़्यादा पतला ही अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसको ज़्यादा बड़ा भी नहीं करूँगी, ज़्यादा मोटा भी नहीं करूँगी। जैसे आप देख पा रहे होंगे, चिल्ला मेरा अच्छे से एकदम पक गया है। अब मैं इसको पलट दूंगी, हाथ से भी पलट दो या किसी चीज़ से आप इसको पलट दो, मैंने इसको पलट दिया। जैसे आप देख पा रहे हैं, मेरा चिल्ला बनके एकदम रेडी है। मैंने इसको स्लाइस में काट दिया है। अब आप इसको एक बार एक स्लाइस खाइए, खाइए। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिए। हम इतना मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, मेरे भाइयों बहनों, प्लीज़ मेरी मदद करो यार, लाइक कमेंट करना क्यों भूल जाते हैं।